नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विजन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं रविशंकर सर आप सभी के लिए आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं और आज का जो टॉपिक हमारा है वो है इंडियन रेलवे। जैसा कि आपको पता है इंडियन रेलवे में बहुत सारे, ऐसा नहीं कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेलवे की एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। जितने भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स आने वाले हैं, चाहे वो हमारे असम के ग्रेड 3 का एग्जाम हो, ग्रेड 4 का एग्जाम हो, एपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, हर जगह से यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं। जैसे बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, NFR नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, या फिर स्टूडेंट जितने भी तरह के रेलवे से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है, हमारे इंडिया में ट्रेन कब से चलाई गई, कहां से कहां तक चलाई गई, इन सारे चीज़ों का विश्लेषण हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली बात, इंडियन रेलवे में एक क्वेश्चन है जो कि बराबर आपके मन में चलता होगा, सर व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे का टैगलाइन आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह है लाइफ लाइन ऑफ नेशन। मतलब क्या है, मतलब ये हमारी जिंदगी है, हमारी इंडिया की ये जिंदगी है, पूरे नेशन की ये जिंदगी है। क्योंकि हमारे इंडिया में मैक्सिमम लोग ट्रेन से ट्रेवल करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में, हमारा इंडिया डेवलपिंग नेशन है, जहाँ पे क्या है कि सभी लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो फ्लाइट से चल पाए, प्लेन से चल पाए, है ना। और जहाँ पे ट्रेवल कॉस्ट आपका 200, 500, 600 रुपया होता है, वहाँ पे ट्रेन में 20 रुपीज़ 10 रुपीज़ में हम लोग पहुँच जाते हैं। इसलिए ट्रेन इज कन्वीनियंट टू ऑल, इसलिए ये सभी के लिए कन्वीनियंट होता है। इसलिए इंडियन रेलवे का टैगलाइन भी क्या रखा गया है, लाइफ लाइन ऑफ नेशन। अब देखो, एक टैगलाइन आप बराबर सुनते हो, लाइफ लाइन ऑफ नेशन, ये तो टैगलाइन हो गया, लेकिन एक टैगलाइन है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, दैट इज द टैगलाइन ऑफ LIC। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडियन रेलवे का। अच्छा एक बात बताइए स्टूडेंट, इंडियन रेलवे मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर ऑफ इंडियन रेलवे है ना, हु इज द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मिनिस्टर, है ना। तो आप बोलोगे अश्विनी वैष्णव इज प्रेजेंट द रेलवे मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, है ना। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उड़ीसा। सो उड़ीसा राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ये सांसद है। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट पॉइंट के तरफ। तो देखिए पॉइंट वाइज हम लोग सारे न्यूज को कवर करेंगे रेलवे से रिलेटेड, बट उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल्स, एज वेल एज आप इसको ये कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए अब हम बात करते हैं टॉपिक्स के ऊपर में। सबसे पहली बात, फर्स्ट ट्रेन रन बिटवीन बॉम्बे टू थाने। देखिए आज के डेट में हम लोग बोलते हैं कि महाराष्ट्र बहुत बड़ा जगह है, बॉम्बे बहुत बड़ा जगह, मुंबई बहुत बड़ा जगह है। पहले सभी छोटी छोटी जगह हुआ करते थे, बॉम्बे के अंदर में ही, बॉम्बे और थाने बिल्कुल सभी सब चीज़ मुंबई के अंदर में आता है, बट बॉम्बे एक अलग जगह हुआ करता था और थाने एक अलग जगह पे हुआ करता था। तो दोनों के बीच में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी जिसका लेंथ अराउंड 34 किलोमीटर के आसपास था, जो कि चलाया गया था बॉम्बे से थाने के बीच में। अब चलाया कब गया था आप याद रखो, 16th of April 1853 में। इसीलिए 16th of April को हम लोग रेलवे डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आया भी एग्जाम में कि रेलवे डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप बता सकते हैं 16th of April को। साथ ही साथ इसके इससे रिलेटेड कुछ और भी चीज़ जानते हैं कि जो बॉम्बे से थाने के बीच में जो पहली बार ट्रेन चलाई गई थी उसमें टोटल पैसेंजर स्ट्रेंथ कितना था, तो आप बता सकते हैं 400, और टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया था, अराउंड 34 किलोमीटर। चलिए, और 400 पैसेंजर को लेकर के चलना पहली बार, तो ऑफ कोर्स हमने वहाँ पे 2-3 इंजन लगा दिए होंगे, है ना। जैसे अभी आप देखते हो बड़ी लंबी लंबी मालगाड़ी जो चलती है ना, उसमें 2-3 इंजन लगाकर चलाए जाते हैं, तो उस समय ना 3 इंजन के साथ ये चलाया गया था। और वो 3 इंजन कौन कौन से थे, साहिब, सिंध एंड सुल्तान। इस 3 इंजन के साथ पहली बार इंडियन रेलवे पैसेंजर ट्रेन चलाया था हमारे कंट्री में। कब चलाया था, 16th of April को। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और जो ये जो न्यूज़ होगा ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, समझना इस न्यूज़ के फैक्ट को। सबसे पहली बात, यहाँ पे आप देख रहे हो दो इमेज, ये पहला इमेज है और ये दूसरा इमेज है।
जो पहला जो इमेज है इसमें आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर देख रहे हो, इसका मतलब है कि हमारे इंडिया में पहली बार फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाया कब गया था और कहां से कहां तक चलाया गया था। तो आप देख रहे हो पहली बार जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो बॉम्बे से लेकर के कुर्ला के बीच में चलाया गया था 3 फरवरी 1925 को, लेकिन ये है कोलकाता मेट्रो, है ना। तो हमारे इंडिया में पहली बार मेट्रो चलाए गए थे 1984 में। इसलिए अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताओ तो इंडिया का कौन सा ऐसा मेट्रो है जो 100% गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, तो आप बता सकते हो कोलकाता मेट्रो। चलिए, तो यही एक ऐसा मेट्रो है, बाकी जितने भी मेट्रो हैं वो पीएसयू मतलब सेमी गवर्नमेंट है, मतलब 50% गवर्नमेंट है 50% प्राइवेट, ट्रिपल बी मॉडल पे काम करता है सभी के सभी। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गया, तो ये समझ में आ गई पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में चलाया गया था, लेकिन पहली बार मेट्रो हमारे इंडिया में 1984 में चलाए गए। तो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से बहुत सारी चीजें हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनने जा रहा है। जैसे विच पर्सन इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेलवे, तो हम लोग बोलते हैं लॉर्ड डलहौजी। जैसे अगर कोई पूछता है बताओ तो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, बी आर अम्बेडकर को। क्या बी आर अम्बेडकर अकेले संविधान को हमारे संविधान को लिखा है उन्होंने, तो आंसर बनेगा नहीं। एक कमिटी सभी मिलकर के, उस कमिटी के जितने भी मेंबर हैं सब मिलकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखे हैं, और उस कमिटी का नाम है ड्राफ्टिंग कमिटी। बट यस, उस ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। इसीलिए बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। सिमिलरली उस समय हमारे इंडिया के जो हेड थे वो थे आपके लॉर्ड डलहौजी। इसीलिए लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे पहली बार हमारे इंडिया में ट्रेन चला, और यहाँ ट्रेन का कंसेप्ट लेकर भी यही आए थे, इसीलिए फादर ऑफ इंडियन रेलवे बोला जाता है लॉर्ड डलहौजी को। आगे देखिए, 1951 में हमारे पास टोटल 6 रेलवे जोन हुआ करता था, लेकिन 1952 में 9 रेलवे जोन को और ऐड कर लिया गया, एंड 1990 में एक कोंकण रेलवे जोन ऐड किया गया, जिसका कोंकण रेलवे जोन जिसका हेडक्वार्टर है नावी मुंबई, आगे हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एट प्रेजेंट हमारे इंडिया में टोटल 19th रेलवे जोन है ना, टोटल एक दो नहीं है भाई, टोटल 19 रेलवे जोन है, 19 सोचो, है ना। जबकि कोलकाता मेट्रो भी एक रेलवे जोन कंसिडर किया जाता है, जिसको 18th रेलवे जोन हम लोग बोल सकते हैं, और 19th रेलवे जोन स्टार्ट ये किया गया था 2019 में। अब कौन कौन से रेलवे जोन है, है ना, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए, एवरी डेज कुछ फैक्ट है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, रेलवे फैक्ट जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे हर दिन लगभग 13,000 ट्रेन हमारे कंट्री में चलती है, नियरली का मतलब क्या होता है, दो चार कम दो चार ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो अराउंड 13,000 ट्रेन हमारे इंडिया में एवरीडे चलते हैं। द रूट लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे इज अबाउट 1.15 लाख किलोमीटर। देखो 1.1 लाख किलोमीटर ट्रैक बनाए हुए हमारे इंडिया में। वैसे देखो जो ट्रैक जो होता है, ये जो रेलवे ट्रैक है, इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही गॉज बोला जाता है, है ना, गॉज। तो कभी कभार कोई पूछेगा व्हाट इज गॉज, तो आप बोलोगे डिस्टेंस बिटवीन टू रेलवे ट्रैक, दो रेलवे ट्रैक के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग गॉज बोलते हैं। एक और बात, जो हमारे इंडिया में जो गॉज होते हैं, ये 3 गॉज की ट्रेन चलती थी पहले, अभी नहीं चलती है, है ना। एक होता है नैरो गॉज, है ना, एक होता है मीटर गॉज, और एक होता है ब्रॉड गॉज, है ना। नैरो गॉज, जो नैरो गॉज की ट्रेन कहाँ पे चलती है, जैसे हिल स्टेशन में, जैसे आप गए होंगे दार्जिलिंग गए होंगे, है ना, तो दार्जिलिंग सिलीगुड़ी से जो दार्जिलिंग जो ट्रेन जाती है ना, जिसको टॉय ट्रेन भी हम लोग बोलते हैं, तो उसकी जो ट्रैक होती है ना, तो उस वैसे उस तरह के गॉज को हम लोग नैरो गॉज बोलते हैं। मीटर गॉज जो कि लगभग अभी बंद हो गया, क्यों, क्योंकि मीटर गॉज में एक्सीडेंट बहुत देखने को मिलता था, इसलिए मीटर गॉज जिसका लेंथ होता था अराउंड 1 मीटर, है ना। ब्रॉड गॉज जो अभी चल रहा है 1.63 ऐसे कुछ है उसका लेंथ, जो अभी जितने भी ट्रेन चल रहे हैं वो चल रहा है ब्रॉड गॉज का। तो 3 तरह के गॉज होते हैं, तो ये मैं आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब चीजें कुछ आता है तो उसको पढ़ते हुए जाना है। तो हमारे इंडिया में ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक का जो लेंथ है
वो 1.15 लाख किलोमीटर के आसपास फैल चुका है हमारे इंडिया में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट, तीसरे स्टेट से चौथे स्टेट। अब एक स्टेट के अंदर भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना, बहुत सारे जगह है, सिटीज हैं, गांव है, सब जगह को कनेक्ट करते करते 1.15 लाख किलोमीटर रेलवे ट्रैक हमारे इंडिया में ऑलरेडी बन चुका है। हमारे इंडिया का रेलवे ट्रैक का लेंथ है अराउंड 25 मिलियन पैसेंजर्स ट्रैवलिंग एवरी डे। सोचो एक बहुत बड़ा, ऑलरेडी मैंने आपको बताया ना कि लोग ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं उसी जगह पे, प्राइस भी कम हो, दूसरी चीजें मतलब हरासमेंट भी ना हो, टायर्डनेस ना हो, ये सभी रेलवे में होता है। जैसे अगर आप बाय कार अगर आप ट्रेवल करते हो 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हो, लेकिन अगर आप ट्रेन से ट्रेवल करते हो तो उतना टायर्डनेस आपका नहीं आता है। प्लस ट्रेन से अगर आप ट्रेवल करते हो तो कॉस्टिंग भी कम आता है, इसलिए लोग ट्रेन से ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो कितना लोग ट्रेवल करते हैं तो आप बोल सकते हो कि अराउंड 25 मिलियन पैसेंजर्स एवरी डे ट्रेवल करते हैं ट्रेन से। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इंडियन रेलवे से रिलेटेड। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है ना इन द वर्ल्ड बोला जाता है गोरखपुर को, गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश का है ना, और गोरखपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया भी है किसका, आप लोगों को पता होगा, योगी आदित्यनाथ की कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है गोरखपुर उत्तर प्रदेश। गोरखपुर किस रिवर के ऊपर बसा हुआ टाउन है, तो आप याद रखना राप्ती। गोरखपुर इज लोकेटेड ऑन विच बैंक ऑफ द रिवर, आंसर विल बी द राप्ती। और लेंथ कितना है सर, 1366 मीटर। अगर हम एक मतलब किलोमीटर में बात करें तो 1.37 किलोमीटर अप्रॉक्स दिस इज द लेंथ ऑफ द गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो आप इमेज में आप देख रहे हो यहाँ पे। सोचो एक रेलवे स्टेशन है जो कि हमारे इंडिया का रेलवे स्टेशन है, वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन है, तो एक कितनी बड़ी बात होती है। अब यहाँ पे आपको दो इमेज देखने को मिल रहा है, एक इमेज आपको देखने को मिल रहा है ये है घूम स्टेशन, और एक इमेज देखने को मिल रहा है जो कि चाइना में है, मतलब तिब्बत रीजन में पड़ता है, अंडरस्टैंड। चलो दोनों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक जो घूम रेलवे स्टेशन है ये इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन बोला जाता है, है ना, जो कि दार्जिलिंग एरिया में, दार्जिलिंग में आपके पड़ते हैं, है ना। और जो सेकेंड हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड, जो कि इंडिया का नहीं वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, तो क्वेश्चन बनता है सर सेकेंड हाईएस्ट तो मेरे को पता चल गया, लेकिन फर्स्ट हाईएस्ट कौन है, तो देखो फर्स्ट हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है आपका टंगुला स्टेशन, जो कि तिब्बत ऑटोनोमस रीजन चाइना का पार्ट है। जो आप यहाँ पे सेकेंड इमेज आप देख रहे हो यह आपका टंगुला रेलवे स्टेशन, और ये पहला जो रेलवे स्टेशन है ये है घूम रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए स्टूडेंट यहां पे आपको दो इमेज आपको दिख रहा है, एक तो दिख रहा है नेशनल रेल म्यूजियम और दूसरा दिख रहा है नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे इंडिया में रेलवे से रिलेटेड एक म्यूजियम बनाया गया जो कि दिल्ली में बनाया गया, लेकिन आपने बहुत सुना होगा जैसे कहीं पे कोई चीजें होती है तो उससे रिलेटेड एक इंस्टीट्यूशन सेटअप करना, फोटोग्राफी होती है फोटोग्राफी का भी एक इंस्टीट्यूशन है, वीडियोग्राफी की भी एक इंस्टीट्यूशन है, मीडिया का भी एक इंस्टीट्यूशन होता है। तो रेलवे ने सोचा कि सभी का अपना अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो रेलवे का भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, तो यस रेलवे का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया है वडोदरा। कब सेटअप किया गया, 2018 में। फर्स्ट इंडियन रेलवे म्यूजियम न्यू दिल्ली में है, और कब बनाया गया, 1977 में। तो ये दो न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि इंडियन रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट NRTI है ना कहां पे सेटअप किया गया, तो आप बता सकते हो वडोदरा गुजरात में सेटअप किया गया, और कब ये क्या बोलते हैं कब सेटअप किया गया, 2018 में सेटअप किया गया। आपको पता होगा गवर्नमेंट प्रपोज किया है 2028 तक हमारे इंडिया में बुलेट ट्रेन चलाए जाएंगे, कहां से कहां तक चलाए जाएंगे, वडोदरा टू मुंबई, है ना, याद रखना। लेकिन अभी ये प्रपोज्ड है, हो सकता है डेट थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, हो सकता है इसी डेट में स्टार्ट भी कर दिया जाए, तो अभी ये प्रपोज्ड है, अभी हम फाइनल नहीं बोल सकते। इसलिए जो चीजें प्रपोज्ड होता है, जो चीजें मतलब अभी गवर्नमेंट टारगेट कर रही है उसको करेगी, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है, जब तक वो होगा नहीं तब तक हम उसको याद नहीं कर सकते, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए रेलवे से रिलेटेड,
आपके स्क्रीन पे है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ चीजें जो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहली बात है एक रेलवे स्टेशन का नाम और उसके नीचे देखिए दो कितने बढ़िया बढ़िया बच्चे लोग खड़े हैं स्टेशन के नीचे। अब आप सोच रहे होंगे सर ये वाला फोटो क्यों डाला है आपने, है ना। ये है इंडिया का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जिसका नाम पूरे इंडिया में सबसे बड़ा नाम है, तो आप पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, देखो कितना बड़ा नाम है। चलिए वैसे हम आपको पढ़ने के लिए सिखाते हैं। यहाँ पे इंडिया रेलवे स्टेशन इज द लार्जेस्ट इन एशिया एंड फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। पहले कुछ बेसिक चीजें हम लोग सीख लेते हैं कि जो इंडियन रेलवे जो सिस्टम है वो लार्जेस्ट इन एशिया है, मतलब एशिया में सबसे बड़ा है, एंड फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में चौथा स्थान रखता है, बेस्ड ऑन रेलवे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क साइज आफ्टर यूएसए चाइना एंड रशिया। मतलब अगर मैं बात बोलूं नंबर वन पे कौन है, यूएसए, नंबर टू पे कौन है, चाइना, नंबर थ्री पे कौन है, रशिया, तो हमारा इंडिया नंबर फोर पोजीशन पे है रेलवे नेटवर्क में, है ना। सो रेलवे नेटवर्क में इंडिया का पोजीशन कितना है तो आप बता सकते हो फोर्थ पोजीशन इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन नेम श्री वेंकट क्या नाम वेंकट नरसिम्हा, है ना, नरसिम्हा रजू वरी पेटा, है ना। तो देखो इसको ना आप ब्रेक करके पढ़ोगे तो स्टूडेंट याद हो जाएगा। देखो वेंकट नरसिम्हा रजू वरी पेटा, है ना, रेलवे स्टेशन विच इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। ये रेलवे स्टेशन जो कि बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है ये किस स्टेट में है तो आप बता सकते हो तमिलनाडु। ये बड़ा स्टेशन नहीं है, इसका नाम सबसे बड़ा है। वैसे लार्जेस्ट स्टेडियम ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, लॉन्गेस्ट स्टेडियम ये मैंने आपको बता दिया, हाईएस्ट रेलवे स्टेशन ये भी मैंने आपको बता दिया कि इंडिया का कौन सा रेलवे स्टेशन जो हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, घूमर स्टेशन, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन से स्टेशन का है, गोरखपुर का बता दिया। अब यहाँ पे आया कि एक ऐसा रेलवे स्टेशन का नाम जो जिसका नाम सबसे बड़ा है हमारे इंडिया में, तो वो किस स्टेट में है तो आप बता सकते हो तमिलनाडु में। नाम क्या है, वेंकट नरसिम्हा रजू वरी पेटा। चलिए फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन स्टार्टेड इन न्यू दिल्ली। देखिए हम लोग जब बच्चे थे ना, शायद जो वीडियो देख रहे हैं इसमें दोनों तरह के स्टूडेंट होंगे, एक तो होंगे जो ऑलरेडी मतलब बहुत साल पहले उनका एज काफी होगा और वो बहुत कुछ पहले पास्ट में देख चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो ये सब चीज जानते भी नहीं होंगे। पहले हम लोग के टाइम पे क्या होता था ना, एक इस तरह का ना एक रेलवे टिकट होता था, है ना, उसमें लिखा हुआ होता था और वो पता है वो कार्टन का होता था, मोटा होता था, ठीक है, जो कंप्यूटराइज नहीं होता था, उसमें एक जगह से दूसरा जगह के लिए बस लिखा होता था और यहाँ पे नीचे एक जगह प्राइस लिखा हुआ रहता था, बस इतना ही लिखा हुआ था, और बैक साइड में इस टिकट के बैक साइड में लिखा रहता था NFR, बस, है ना, मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का ये टिकट है और इसमें कहाँ से कहाँ तक ट्रेन चलेगी वो लिखा हुआ है, उसका फेयर कितना होगा, बस वो टिकट होता था, है ना। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमारा इंडिया मॉडर्नाइज हुआ और फिर हमने कंप्यूटर को अडॉप्ट किया, टेक्नोलॉजीज को लेकर के आए, तो हमने कंप्यूटर से रिजर्वेशन करना स्टार्ट किया। तो क्वेश्चन यहाँ पे यही है, फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन स्टार्टेड इन न्यू दिल्ली, कहाँ पे स्टार्ट किया गया, न्यू दिल्ली में। कब किया गया, 1986 को किया गया। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। नेक्स्ट देखो, ये आप इमेज में दो पर्सन का फोटो आप देख रहे हो, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं। देखिए पहले जो आप फोटो देख रहे हो इनका नाम है आपके जॉन मथाई, है ना, और दूसरे पर्सन जो आप यहाँ पे देख रहे हो इनका नाम है ममता बनर्जी। तो ये जो है पहले रेलवे मिनिस्टर 1948 में बनाए गए, जिनका फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिनका नाम है जॉन मथाई, एंड इंडिया की फर्स्ट वुमेन रेलवे मिनिस्टर कौन है तो आंसर बनेगा ममता बनर्जी। तो ये दोनों न्यूज हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे स्टूडेंट, इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। चलिए अब कुछ और भी हम लोग पॉइंट देखते हैं, जैसे सबसे पहली बात लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज, आप सभी को पता है बोगीबिल ब्रिज जो कि धेमाजी से डिब्रूगढ़ के बीच में कनेक्ट करता है, ये रेल कम रोड ब्रिज है, तो ये लार्ज लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज है, है ना, जो कि धेमाजी से डिब्रूगढ़ के बीच में कनेक्ट करता है ओवर द ब्रह्मपुत्र रिवर, है ना। कब ये बनाया गया था, 2018 में स्टार्ट किया गया, सॉरी कब ये बनकर रेडी हो गया था, 2018 से ये ब्रिज स्टार्ट हुआ जिसका नाम है बोगीबिल ब्रिज, जो कि एक तरफ धेमाजी से लेकर के एक तरफ डिब्रूगढ़ तक कनेक्ट करता है। अब देखो रेलवे कम ये जो ये है रेलवे कम रोड ब्रिज, मतलब नीचे ट्रेन जाएगी और ऊपर से मतलब कार जा सकती है, बाइक जा सकती है ना, और इसका जो लेंथ होगा टोटल वो है 4.94 किलोमीटर। तो इसका लेंथ कितना हो गया, तो लेंथ आप याद रखना 4.94 किलोमीटर इसका लेंथ है और ये रेल कम रोड ब्रिज है,
है ना। देखो स्टूडेंट, याद करने का कुछ ना कुछ नियम निकालना चाहिए हमें, जिससे हम याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। देखो इंडियाज हाईएस्ट रेल ब्रिज एज वेल एज वर्ल्ड हाईएस्ट ऑल्सो, मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा, लॉन्गेस्ट रेलकम रोड ब्रिज बोगीबिल ब्रिज जो कि धेमाजी से डिब्रूगढ़ के बीच में कनेक्ट होता है, अब यहाँ पे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। अब आपको पता है ये जो चेनाब ब्रिज है ये इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे मतलब हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। तो देखो कितना हाईएस्ट है, इसका सारा मेजरमेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, बिटवीन है ना बक्कल एंड कौरी, है ना बक्कल एंड कौरी के बीच में है ना, और रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसमें बनाया गया है, जिसकी हाइट है 359 मीटर, और अगर मैं फिट में अगर मैं बात करूं 1178 फीट इसकी हाइट है, और इसका अगर लॉन्गेस्ट की मैं बात करूं तो 1315 मीटर ये लॉन्ग है, अगर फिट में बात करूं तो 4314 फीट है। दिस ब्रिज ओपेंड पब्लिकली फ्रॉम 2022, है ना 2022 से ये ब्रिज पब्लिकली ओपन कर दिया गया है। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। देखिए ये न्यूज सभी को पता होगा, जैसे हमारे इंडिया में वंदे भारत ट्रेन अभी बहुत चल रही है ना, बहुत जगह पे चलाया जा रहा है। अभी तक गवर्नमेंट ने बहुत सारे वंदे भारत लेकर के आया, गवर्नमेंट का टारगेट है 75 वंदे भारत ट्रेन पूरे कंट्री में चलाने का, है ना, बट अभी तक 17 चल चुका है, 17 फिर 18 आएगा फिर 19 आएगा, इस तरह से लगभग हमारे इंडिया में 75 वंदे भारत ट्रेन चलाए जाएंगे। क्यों? आजादी के 75th एनिवर्सरी, आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। चलिए तो आगे देखते हैं, तो फास्टेस्ट ट्रेन इंडिया का फास्टेस्ट ट्रेन एक्सप्रेस वंदे भारत एक्सप्रेस भी है, साथ ही साथ गतिमान एक्सप्रेस है, दोनों की स्पीड अराउंड 160 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड की मैं बात कर रहा हूं, वैसे वंदे भारत का अगर टॉप मोस्ट स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर वैसे है ना, लेकिन एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं तो दोनों ट्रेन का लगभग 160 किलोमीटर पर आवर है। और सेकंड फास्टेस्ट ट्रेन हमारे इंडिया का है शताब्दी एक्सप्रेस, जिसकी स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं सर राजधानी की स्पीड कितनी है, तो राजधानी का 120 किलोमीटर पर आवर ये एवरेज स्पीड है, मतलब मैं टॉप स्पीड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं एवरेज स्पीड की मैं बात कर रहा हूं। तो ये राजधानी एक्सप्रेस जो है ना राजधानी, तो राजधानी जो एक्सप्रेस है इसकी जो स्पीड अराउंड आती है 120 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे आप देखो गतिमान एक्सप्रेस भी आप देख सकते हो, ये है गतिमान और ये है आपके वंदे भारत एक्सप्रेस। तो इस तरह से आप चीजों को रिलेट करके याद कर सकते हो, इसलिए हम इमेज डाला करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन बनता है कि हमारे इंडिया का में कौन सा ऐसा रूट है जो सबसे लॉन्गेस्ट रूट, जो ट्रेन चलती है एक जगह से दूसरी जगह, जो सबसे लंबी रूट ट्रेवल करती है, तो जिसमें से आपका नाम आता है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस इंडिया में नहीं एशिया का लॉन्गेस्ट रूट एक्सप्रेस है, जिसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस हमारे इंडिया में चार जगह पे चलाए जाते हैं, कहां से कहां तक चलाए जाते हैं। पहला आप डायग्राम में देखिए, यहां पे आपका डिब्रूगढ़ है और यहां पे आपका कन्याकुमारी है, तो डिब्रूगढ़ से लेकर के डिब्रूगढ़ अगर आप नॉर्मल इमेज में बात करें तो सॉरी यहां से डिब्रूगढ़ से चला और सॉरी एक सेकेंड ये डिब्रूगढ़ से इधर चला और ये यहां तक आया कन्याकुमारी। सो पहला जो विवेक एक्सप्रेस ये डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी ये सबसे लॉन्गेस्ट है, जो चार जो विवेक एक्सप्रेस है चारों में से सबसे लंबा विवेक एक्सप्रेस है डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। दूसरा जो आप देख रहे हो ये है ओखा टू तूतीकोरिन, ओखा से लेकर के तूतीकोरिन, मतलब अगर आप इसको इमेज में इस तरह से बनाओगे तो ये आप इस तरह से दिखा सकते हो, ये है ओखा टू तूतीकोरिन। अब यहाँ पे देख रहे हो लिखा हुआ है ओखा और इधर लिखा हुआ है तूतीकोरिन। अब समझना ओखा इज बेसिकली पॉपुलर फॉर द्वारका एंड तूतीकोरिन इज पॉपुलर फॉर रामेश्वरम, है ना। तो आप बोल सकते हो कि ये विवेक एक्सप्रेस दो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को कनेक्ट भी कर रहा है, ओखा टू तूतीकोरिन, ओखा इज पॉपुलर फॉर द्वारका एंड तूतीकोरिन इज पॉपुलर फॉर रामेश्वरम। तो दिस विवेक एक्सप्रेस कनेक्ट टू रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू द्वारका एंड रामेश्वरम। नेक्स्ट देखिए तीसरा विवेक एक्सप्रेस, देखो ये चलाया जा रहा है संतरागाछी से लेकर के मैंगलोर, मतलब क्या है इस विवेक एक्सप्रेस का अगर मैं रूट देखता हूं तो कुछ इस तरह से इसका बनता है ना, मतलब इधर तो हो गया संतरागाछी है ना और इधर हो गया मैंगलोर, तो ये संतरागाछी से लेकर के मैंगलोर तक ये विवेक एक्सप्रेस चलाए जाते हैं। संतरागाछी जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है और मैंगलोर जो कि आपका कर्नाटका में है,
अब यहाँ पे चौथा जो विवेक एक्सप्रेस है ये आप देख रहे हो जम्मू तवी टू मुंबई, मतलब आप यहां से बिल्कुल ऐसे आता है ये विवेक एक्सप्रेस, ये जम्मू तवी है और ये आपका जम्मू तवी एंड ये हो गया मुंबई, तो जम्मू कश्मीर से लेकर के ये मुंबई। तो आप अगर रिविजन करो तो हमारे इंडिया में चार विवेक एक्सप्रेस चलते हैं। पहला जो है वो है डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक, दूसरा है ओखा से लेकर के तूतीकोरिन तक, तीसरा है आपका संतरागाछी टू मैंगलोर एंड चौथा जो आपका है वो है जम्मू तवी टू मुंबई, है ना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो हमारे इंडिया में टोटल कितने विवेक एक्सप्रेस, और डायग्राम में क्यों बना रहा हूं क्योंकि डायग्राम एक ऐसा चीज होता है ना, क्योंकि अगर आप डायग्राम बनाते हो तो डायग्राम से चीजों को आप याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। हाँ, ये चीज मुझे आपको अच्छे से समझाना है। ये हमारे इंडिया के टोटल रेलवे जोन है। अगर हम टोटल रेलवे जोन की मैं बात करूं तो यहाँ पे 18 लिखा गया गलती से, आप इसको 19 कर लेना। टोटल 19 रेलवे जोन है हमारे इंडिया में। अब ये 19 कैसे वो सुनो, हमारा जो ये जो डायग्राम है, डायग्राम में टोटल रेलवे जोन है आपका 14, है ना, प्लस कोंकण रेलवे 1, 2, 3, 4, टोटल हो गए आपके 5। तो 14 प्लस 5 कितना हो गया, 19 हो गए। तो यहाँ पे टोटल रेलवे जोन है आपका 19। चलिए तो अब ये 19 रेलवे जोन को आप याद कैसे करोगे, सबसे पहली बात आप एक काम करना, आप इस तरह से आप एक लंबा बनाना। सबसे इधर देखो ईस्ट होता है, सबसे इधर आपका वेस्ट होता है, सबसे ऊपर देखो नॉर्थ होता है और सबसे नीचे साउथ होता है। पहले आप चार को याद करना, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा सिटी न्यू दिल्ली, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा सिटी चेन्नई, ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा सिटी कोलकाता, वेस्ट इंडिया का सबसे बड़ा सिटी मुंबई। चार तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब देखो बीच में है सेंट्रल, सेंट्रल का हेडक्वार्टर मुंबई। अब सेंट्रल और ईस्ट के बीच में ईस्ट सेंट्रल हो गया। अब देखो ईस्ट से जब ईस्ट सेंट्रल क्या नाम है सेंट्रल की तरफ पढ़ोगे तो बीच में मिल जाएगा पटना, हाजीपुर, अंडरस्टैंड। हाजीपुर आपका बिहार में है, कोलकाता आपके वेस्ट बंगाल में है, और फिर आपका मुंबई से जब आप इधर बढ़ोगे वेस्टर्न इंडिया की तरफ तो आपको रास्ते मिलेगा मध्य प्रदेश, दैट मीन्स जबलपुर, इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। अब देखो न्यू दिल्ली से जब आप मुंबई की तरफ बढ़ोगे मिडिल की तरफ तो बीच में आपको मिलेगा प्रयागराज, दैट मीन्स नॉर्थ सेंट्रल। नॉर्थ से सेंट्रल के बीच में आपका हो जाएगा नॉर्थ सेंट्रल। उसी तरह से साउथ से सेंट्रल के बीच में जब बढ़ोगे तो हो जाएगा साउथ सेंट्रल, जिसका हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद आपका वो एरिया बोलते हैं जो रेलवे स्टेशन के पास में है, बाकी पूरा सिटी आपका हैदराबाद के नाम से जाना जाता है। सिमिलरली अब ये तो हो गया आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला। अब कॉर्नर में आप डायग्राम में ड्रॉ करोगे, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट सेंट्रल, इधर हो जाएगा साउथ वेस्ट। देखो वेस्ट और साउथ से मिलाकर साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ एंड वेस्ट मिलाकर नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट मिलाकर नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ और ईस्ट मिलाकर के साउथ ईस्ट हो गया, और साउथ ईस्ट और सेंट्रल को मिलाकर के साउथ ईस्ट सेंट्रल हो गए, है ना। और सभी का हेडक्वार्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। प्रयागराज किस रिवर के ऊपर बसा हुआ टाउन है, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना। गोरखपुर किस रिवर के ऊपर बसा हुआ टाउन है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था स्टूडेंट, राप्ते। जयपुर, जयपुर आपके राजस्थान में है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है, जबलपुर है ना आपके हुबली, हुबली या फिर कहीं पे हुबाली लिखा हुआ मिलेगा, एक ही है, बात बराबर है, इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका। उसके बाद सिकंदराबाद आपके तेलंगाना में है, चेन्नई आपके तमिलनाडु में है ना, बिलासपुर आपके छत्तीसगढ़ में है। तो कुछ इस तरह से आप सारा चीज, गोरखपुर आपका यूपी में है ना, तो कुछ इस तरह से आप सारा याद कर सकते। तो डायग्राम आप दो चार बार बनाना, याद करना, याद हो जाएगा। अब देखो कोंकण रेलवे का ऑलरेडी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हेडक्वार्टर नाभी मुंबई, एनएफआर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का हेडक्वार्टर गुवाहाटी, सभी को पता होगा, ईस्ट कोस्ट भुवनेश्वर, साउथ कोस्ट विशाखापट्टनम एंड कोलकाता मेट्रो कोलकाता। तो इस तरह से टोटल हमारे पास टोटल 19 रेलवे जोन एट प्रेजेंट अभी तक है। सो स्टूडेंट अब कुछ और भी फैक्ट देखते हैं रेलवे से रिलेटेड। जैसे हमारे इंडिया में पहली बार राजधानी कब चलाई गई, राजधानी का मतलब क्या होता है, राजधानी का मतलब ही होता है कैपिटल, मतलब एक कैपिटल से दूसरे कैपिटल के बीच में, मतलब स्टेट कैपिटल से लेकर के कंट्री के कैपिटल के बीच में राजधानी बेसिकली चलाए जाते हैं। तो पहली बार जो राजधानी चलाया गया था वो 1969 में चलाया गया था। कहां से कहां तक चलाया गया था, हावड़ा से लेकर के न्यू दिल्ली। आपको पता है कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल एंड न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। तो दो
के बीच में, दो कैपिटल के बीच में चलाया गया था। पहली बार राजधानी कब चलाया गया था, 1969 में चलाया गया था, है ना। उस समय राजधानी में चढ़ना एक बहुत बड़ा सम्मान की बात होती थी, है ना। आज के डेट में कोई भी चढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस समय गिने चुने लोग राजधानी में चढ़ते थे। जैसे आज के डेट में गिने चुने लोग वंदे भारत में चढ़ते हैं, तो इस तरह से चढ़ने को तो कोई भी चढ़ सकता है, कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शन किसी के लिए नहीं है। वी ऑल हैव द इक्वालिटी, मतलब हम हर सभी बराबर है, हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये सभी हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें सब कुछ मिल दे रहा है। चलिए, तो पहली बार जो राजधानी चलाए गए थे वो 1969 में चलाए गए थे, हावड़ा से लेकर के दिल्ली के बीच में। फर्स्ट शताब्दी एक्सप्रेस 1988 में चलाया गया था न्यू दिल्ली टू झांसी के लिए। तो देखो, दिल्ली से झांसी, झांसी आपको पता होना चाहिए यूपी में है, है ना। उसके बाद फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन जो बनाया गया था वो 1984 में बनाया गया था, और वो बनाया गया था कोलकाता के अंदर में। फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे कहाँ पे बनाया गया था, तो आप बता सकते हो कोलकाता में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1984 में बनाया गया था। फर्स्ट गरीब रथ एक्सप्रेस 2006 में चलाया गया था, कहाँ से, सहरसा टू अमृतसर। अब देखो, बहुत लोग बोलेंगे ना सर गरीब रथ लाया कौन था, तो आप सभी को पता है हमारे इंडिया में एक ऐसे पॉलिटिशियन जिसका मजाक हर जगह पे, जिसका नाम हर किसी को पता होगा, लालू यादव, है ना। तो लालू यादव ही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने गरीबों के लिए गरीब रथ लेकर के आए, लेकिन कभी गरीब उसमें कभी नहीं चढ़े, है ना, सब अमीर लोग ही चढ़ते थे। एनीवेज, लेकिन पहली बार फर्स्ट टाइम गरीब रथ जो लेकर के आए थे वो 2006 में लेकर के आए थे। ऑफकोर्स लालू यादव बिलोंग करते हैं बिहार से, तो बिहार का एक जगह है सहरसा, वहां से लेकर के अमृतसर के बीच में चलाया गया था गरीब रथ, ठीक है। तो पहली बार गरीब रथ कब चलाया गया था, 2006 में चलाया गया था। कहां से कहां तक चलाया गया था, सहरसा से लेकर अमृतसर। सहरसा कहां पे है, सहरसा बिहार में है। अमृतसर कहां पे है, पंजाब में है। उसके बाद देखो, जो डिस्कवरी ऑफ रेल इंजन, हमारे इंडिया में जो रेल चल रहे हैं उसका जो डिस्कवरी फर्स्ट टाइम किसने किया था, जॉर्ज स्टेफन्स ने किया था। जॉर्ज स्टेफन्स ने हमारे इंडिया में रेलवे इंजन का डिस्कवर किया था, इन्वेंशन किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यू के फॉर्मेट में आ सकते हैं। तो आप आराम से इस वीडियो को जब आप पूरा देख लोगे तो कहीं ना कहीं से आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, एक आध क्वेश्चन तो गारंटी है कि मिलेगा ही मिलेगा। चलिए स्टूडेंट, और भी कुछ फैक्ट है रेलवे से रिलेटेड जो हम लोग देखेंगे, है ना। जैसे अब ये कुछ रिसेंट फैक्ट मैं बोल सकता हूं कि वन ईयर के अंदर में कुछ नई नई चीजें जो रेलवे के अंदर में किया गया, जैसे अमृत भारत स्टेशन स्कीम, द इंडियन रेलवे हैव प्लान टू मॉडर्नाइज 1000 स्मॉल रेलवे स्टेशन। अभी आप सुनते होंगे कि रेलवे को एयरपोर्ट के टाइप से डेवलप किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे इंडिया में जितने भी रेलवे स्टेशन है, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन को तो डेवलप किया ही जा रहा है। अब यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट बोली है कि जो छोटे छोटे रेलवे स्टेशन है उसको भी हम मॉडर्नाइज करेंगे, मतलब सारे मॉडर्न फैसिलिटीज वहाँ पे भी अवेलेबल होंगे, जैसे कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन की फैसिलिटीज होगी, इंटरनेट की फैसिलिटीज होगी, वाईफाई की फैसिलिटीज होगी, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज होगी, ATM की फैसिलिटीज होगी, वहाँ पे लोकल सामान सेल हो सकता है, इसकी फैसिलिटीज होगी। अंडरस्टैंड, जैसे आप गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे आप जाते हो तो वहाँ पे क्या देखते हो कि वहाँ यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट है आसाम की वो भी वहाँ पे सेल किए जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको इस रेलवे स्टेशन पे भी देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस तरह से हमारे इंडिया में मोर देन 1000 स्मॉल रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है। किस स्कीम के थ्रू डेवलप किया जाता है, तो उस स्कीम का नाम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। दूसरा पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव has announced a new train service between Kasi and Tamil Nadu, Kasi Tamil Nadu Sangamam Express, Kasi Tamil Nadu Sangamam Express। मतलब क्या है कि तमिलनाडु से लेकर के काशी दैट मीन्स उत्तर प्रदेश तक जो लोग गंगा नहाने चाहते हैं, जो लोग तीर्थ करने के लिए आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, उनके लिए एक ट्रेन चलाया जा रहा है। तो और उस ट्रेन का नाम क्या है, काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस। किसके अंदर में, एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव, एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अंदर में काशी से लेकर के तमिलनाडु के बीच में संगमम एक्सप्रेस चलाया जाएगा। उसके बाद आपका बनेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया लॉन्गेस्ट स्केप टनल अ पार्ट ऑफ द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक USBRL प्रोजेक्ट विद अ टोटल लेंथ ऑफ 12.895 किलोमीटर वॉज कंप्लीटेड। अब देखो, एक लॉन्गेस्ट स्केप टनल के बारे में बात हुई थी जिसके बारे में गवर्नमेंट बता रही थी कि ये फिनिश होने वाला है, लेकिन अब ये फिनिश हो चुका है, उसका लेंथ कितना होगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। इंडियन रेलवे हैज अनाउंस दैट इट प्लान्स
टू अचीव नेट जीरो नेट कार्बन एमिशन बाय 2030। नेट जीरो नेट कार्बन एमिशन कब तक गवर्नमेंट टारगेट किया है अचीव करने का, तो आंसर बनेगा 2030। यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट ऑल एल्युमिनियम फ्राइट रेल रैक फ्रॉम भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। कहने का मतलब क्या है, पहले लोहे के ये होते थे जो आपका जो सामान ढोते मालगाड़ी जो होते थे वो पहले ज्यादा करके उसमें लोहे का यूज होता था, लेकिन एक्चुअली अब उसमें क्या किया गया, एल्यूमिनियम का यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के जो रैक बनेंगे वो एक्चुअली पहले वेट बहुत ज्यादा होता था, अब जो एल्यूमिनियम से जो रैक बनेगा उसका वेट बहुत कम होगा, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगा। आयरन में क्या होता है, जंक लग जाते हैं, इरोशन हो जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम में जंक नहीं लगते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट होगा, है ना। तो इसलिए सारे रैक को एल्यूमिनियम रैक में कन्वर्ट करेगी धीरे धीरे करके गवर्नमेंट। द स्टेट ऑफ नागालैंड रिसीव इट्स सेकेंड रेलवे स्टेशन एट सोखोवी विलेज आफ्टर मोर देन 100 ईयर्स। सोचो 100 साल लग गए एक स्टेट में रेलवे को पहुंचने में, है ना। 100 साल के बाद एक जगह है नागालैंड में जहां पे एक विलेज है जहां तक ट्रेन अब पहुंचेगी। हमारी गवर्नमेंट हर साल हर रेलवे के बजट में, हर बार कैबिनेट यूनियन बजट में हमेशा रेलवे एक्सपेंशन की बात करती है। किसी ईयर में 2000 किलोमीटर एक्स्ट्रा रेलवे बनाए जाएंगे, 5000 रेलवे स्टेशन, 5000 रेलवे ट्रैक एक्स्ट्रा एक्सपेंशन किया जाएगा, तो हर बार एक्सपेंशन करने की बात हो रही है। तो एक जगह एक्सपेंशन किया गया जहां पे ये बोला गया कि 100 साल लग गए यहां तक रेलवे पहुंचने में। चलिए बहुत बड़ी बात, अल्टीमेटली नथिंग इज इम्पॉसिबल, हर कुछ इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज पॉसिबल है अगर हम मेहनत से करें तो। अगर हम गवर्नमेंट जॉब के लिए भी लगते हैं तो 100% वो मिल सकता है अगर हम अच्छे से वर्कआउट करें तो। चलिए, नागालैंड चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो इनॉग्रेटेड द क्या नाम है धोनी पोलो एक्सप्रेस फ्रॉम सोखोवी स्टेशन। देखो अब यहाँ पे जो नेफ्यू रियो है नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर, वो इस ट्रेन का इनॉग्रेशन किया, है ना, जहां से ट्रेन चलाई जाएगी, है ना। केवड़िया रेलवे स्टेशन हैज बीन रिनेम्ड एज द एकता नगर रेलवे स्टेशन। अब देखिए केवड़िया रेलवे स्टेशन, ये केवड़िया रेलवे स्टेशन कहाँ पे है आप सभी को पता होगा, ये केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात में है, है ना, गुजरात में। और ये कहाँ पे है, उस जगह पे बना हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास एक रेलवे स्टेशन बनाया गया जहां पे जो लोग मतलब इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो रेलवे स्टेशन, वो बाय ट्रेन आप जा सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए, और उनको उतरना पड़ता था केवड़िया रेलवे स्टेशन। लेकिन अब केवड़िया नाम आपको सुनने को नहीं मिलेगा, आप इसके जगह पे सुनने को मिलेगा एकता नगर रेलवे स्टेशन, है ना। तो यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास जो केवड़िया रेलवे स्टेशन बनाया गया था, रेलवे स्टेशन, है ना, अब इसका नाम बदल गया और इसका नाम बदलकर हो गया एकता नगर रेलवे स्टेशन। देखो एक तरह से बोला जाए ना, जो भी जो नया नाम है ये इजी है रिमेम्बर करने के लिए। कैसे, स्टैचू ऑफ यूनिटी, यूनिटी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, एकता, तो एकता से याद रख सकते हो एकता नगर रेलवे स्टेशन। सो आई होप स्टूडेंट हम आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रेलवे से रिलेटेड दे पाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर से जरूर प्लीज शेयर करना, प्लस हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहना। हमारे चैनल में हम कोशिश करेंगे, करते हैं हमेशा आपके लिए नई नई चीज़ों को लेकर के आने के लिए और आपके प्रिपरेशन में को बूस्ट करने के लिए। चलिए तो आज का हम क्लासेस यहीं पर हम ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।